एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कहो कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे और मैं बहुत स्लो स्लो बोल रही हूँ क्योंकि 5:30 का टाइम हो रहा है। 6 o'clock हो गए शायद। हाँ, 6 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो मैं अपना ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और धूप जैसे का तैसे, धूप में कभी नहीं आई है। देखो कर्टन अभी तक मैं नहीं हटाई हूँ। चलिए हटा ही देते, बात करते करते एक काम ही कर रही हूँ। स्वीट भी ऐसे ही आ रहा था इसलिए यार मौसम का नजारा। वैसे अरे इतनी तेज हवा कहाँ से आ गई। अरे ये देखो यार, हवा बहुत तेज है। जैसे भी बालकनी का ये, माय गॉड कितना स्वीट आ रहा है, इतनी तेज हवा है। बट मेरे फेस पे स्वेट देखो बहुत आ रहा है यार। तो वेदर ऐसे ही है, तो गर्मी गर्मी ही है। और जैसे इसको डोर को ओपन करी हूँ, बस इतनी तेज हवा आ रही है बाहर से, पता भी नहीं चल रहा है अंदर कितनी तेज हवा है बाहर। फिर भी सब कर्टन को हटा देती हूँ। नहीं पूरे दिन नहीं हटाती हूँ, दिन पूरे दिन हटाने से ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मी तो ये जो ये है ना ग्लास, बहुत ही गर्म हो जाता है। इसलिए मैं इसको भी बंद करके रखी हूँ। एक ग्लास बहुत ही गर्म हो जाता है और बहुत ही तेज धूप आती है घर के अंदर, इसलिए मैं सबको बंद करके रखती हूँ। और अभी थोड़ा सा मतलब वो मौसम ठीक हुआ है तो अभी खोल दी हूँ, इधर का खोली हूँ, इधर का बात करते करते हाफ खोली और हाफ ऐसे ही है। इतनी तेज हवा है ना कि सब कर्टन को उड़ा रहा है। बट मेरा फेस देख के नहीं लगता कि इतनी तेज हवा है। इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया है। अभी कुछ कुछ खाएंगे हम। ये बिस्किट मिक्सर जो भी कुछ मतलब जो भी जिसको मन होगा वो खाएगा, उसके बाद हम चाय पियेंगे। और मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है यार। ये देखो मेरा, माय गॉड मेरे हेयर भी इतना ज़्यादा स्वीट आ गया है। बहुत गर्मी है यार। तेज गर्मी है ना, मैं हेयर को टाई कर देती हूँ, इतना बहुत गर्मी लगेगी। ये लो ये भी मैं रखू गया, लगता शायद आंटी आ गई। तो अब बनेगी हमारी चाय। आज मैं ना मिल्क को बाहर ही छोड़ दी, थैंक गॉड कि फटा नहीं। हमेशा मैं फ्रिज में डालती हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है। चाय तो हम दोनों ही पीते हैं, दो ही कपड़ियों में। ये तो 5 o'clock तक आ जाती थी। हेयर कटाई करी हूँ तभी जाके कहीं, मतलब रात मिली है, भी गर्मी है। चलिए मैं भी देखती हूँ, किसी ने बहुत सारा काम फैला हुआ है। और आंटी आ गई है और आंटी कही थी आज खाली नहीं है। इतनी गर्मी में ना किचन आई ही नहीं। हाँ निकाली गई, कंटेनर निकाली, ये भी ऐसे ही है। तो सभी यहाँ का सभी अभी क्लीन करूंगी। आंटी आ गई तो आंटी के साथ मैं भी काम स्टार्ट करूंगी। आंटी जब तक नहीं आती किचन में, मैं भी नहीं आती हूँ बिल्कुल नहीं। तो अभी जस्ट मैं उठी थी कि 5:30 हो रहा है, तो आंटी के आने का टाइम हो गया है, तो आई हूँ किचन में। आंटी आ गई है। चलिए ये सब काम कर देती हूँ पहले, तो इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। इस सबको मैं फ्रिज में डाल दूंगी, इस थैले में डाल के। ऐसा इस थैला में डाल दूंगा, बहुत ही ताजा रहता है, सब्जी खराब नहीं होती। इसलिए मैं ऐसे करके फ्रिज में इस थैले के अंदर डाल के और फ्रिज में डालती हूँ इसको रैप करके।
बैठ गया है। काफी दिनों से ना मैं ध्यान नहीं दी हूँ, जब से मैं घर से आई हूँ ना बिल्कुल ही नहीं। घर जाने से पहले मैं इसको क्लीन करी थी और घर से आई हूँ बस ऐसे ही सबका हालत देखो, ये भी ऐसा हो गया, ये थोड़ा कम है फिर भी, ये भी वही हाल है। किसी दिन इसमें लगना पड़ेगा तभी जाकर क्लीन होगा। बाकी ये जो है ना ये पूरा क्लीन है, बस इसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा, किसी दिन जम के लगना पड़ेगा तभी होगा ये। गार्बेज में साथ के साथ काम नहीं खत्म कर दो ना तो। कौन सा पिएगी जूस पूछ लेती हूँ, मिक्स फ्रूट पिएगी या लीची पिएगी? मम्मी कौन सा पियोगी? लीची। फैन ऑफ है, पहले फैन ऑन करूंगी फिर चाय पीऊंगी। चलिए मैं पीऊंगी चाय, मम्मी पिएगी जूस। तो जब से मैं चाय पी हूँ ना इकट्ठा हो गया, मैं इसी टेबल पे बैठी हुई हूँ, मम्मी से बातें करी और कुछ कुछ सब मैसेज देख रहे थे मिंत्रा पे, क्या सब न्यू आया है, साड़ी वाड़ी यही सब, क्योंकि अभी वट सावित्री है तो वट सावित्री के लिए मैं तो घर से साड़ी बहुत सारा देके आई हूँ जो आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ। और ये देखिए शाम होने को आ गई है, काफी अच्छा लग रहा है ना। तो मैं ये जो मनी प्लांट है ना इसका कुछ DIY करूंगी किचन के लिए, क्योंकि ना ये वाली जो स्पेस है ना ये देखो, ये जो स्पेस है ना ये वाली, ये बिल्कुल ही टैंक लग रहा है, मतलब यहाँ कुछ लगाने से अच्छा लगेगा। तो मैं सोचा चलो अभी यही है एक मेरे पास, तो इसके साथ ही कुछ करती हूँ। तो मैं एक ये रोप ले ली हूँ, पता नहीं इसको क्या कौन सा रोप बोलते हैं, ऐसे मोट हुआ कि कुछ करो इसीलिए कैसे भी, क्योंकि ना ये मुझे बहुत खालिस खालिस सा लग रहा है ना, और ना मैं कुछ कलरफुल लगाना चाहती हूँ किचन के लिए, अच्छा लगता है वॉल पे। तो अभी तो ऐसे जो है उसी के साथ कर लूंगी, बर्तन इसमें बनाऊंगी। तो मैं इस तरह से एक नट डालती हूँ यहाँ, यहाँ इसको मैं इसमें डाल दूंगी, नहीं हुआ तो नीचे से। इसको एकदम टाइट से बांधना है, नहीं तो ये गिरने का चांस रहता है। और ये से भी ग्लास वो शीशे का बोतल है तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा है, शाम का नजारा काफी अच्छा लग रहा है ना, शाम को ऐसे ही मुझे बालकनी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को मेरा छोटा सा एक किचन के लिए DIY बनाई हूँ, कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साइड में जो दिया हुआ बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। खाना है हमें मीट बॉल, भूख लगी क्या?
एक्चुअली आज मैं चाय भी पी ना, और काफी टेस्टी लगता है मुझे ये। मैं तब नहीं खाती हूँ, कभी कभार खाती हूँ। बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। चाय ऐसे ही पी ली ना, खाई नहीं चाय के साथ, और इतनी भूख लग गई तो पेट फुल हो गया। तो अब काम करने में मन लगेगा। तो आलू का भजिया बनाना था, वो बन गया है, और बैगन का भरता बनाना है, और बाकी मटन है, काम चल जाएगा, और रोटी बनाना है। तो अभी काम स्टार्ट हुआ है, किचन का खत्म नहीं हुआ है। और कपड़ा वॉश करने में लगाई थी, वो भी वॉश हो गया है। तो चलिए मैं आटा मिला लेती हूँ। और मुझे वही याद आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब वॉशरूम में जा रहा है तुम्हें, और ये चल खुल जा सिमसिम। ना मैं सबको ना मैं खत्म होने से पहले इधर डाल देती हूँ, ताकि इधर रहे और बाहर ना जाना पड़े। क्यूट सा लग रहा है ना ये। किचन भी दिन हो गया, डिनर भी हो गया, और मैं जाऊंगी सोने। तो लाइट होगी ऑफ, सब हो गया। मैं हूँ इतने स्मार्ट, सब हो जाता है खटाखट। सो मेरा डिनर भी हो गया, किचन भी क्लीन हो गया, मैं आ गई हूँ सोने। थोड़ा सा करूंगी स्किन केयर। मैं इस ब्लॉग को अभी एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।